अच्छा जल के बारे में जानते हैं ना सब लोग कि जल जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु है। जल समझो कि 70% हिस्सा जो है पृथ्वी के चारों ओर जल से ही भरा हुआ है, फिर भी जल की लगातार कमियाँ रहती है। जल जो होता है लगभग जितने भी इस पृथ्वी पर जीव है सब ग्रहण करते हैं, लेकिन हम लोग जो जल पीते हैं वह जल होता है अलवणीय जल। अलवणीय का मतलब होता है स्वस्थ जल जिसमें किसी प्रकार के लवण नहीं होता जो हम पीते हैं। आज समुद्र में जो जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग जो जल प्राप्त करते हैं जमीन से प्राप्त करते हैं। हम लोग जल किससे प्राप्त करते हैं? जमीन से प्राप्त करते हैं। जो जल हम प्राप्त करते हैं जमीन से, इसी को हम लोग कहते हैं भूमिगत जल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? भूमिगत जल। आज जल जो होता है इससे ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है ये जल का ऊर्जा होता है और ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। मन जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक जल रहेगा। जल खत्म पृथ्वी खत्म, जल खत्म जीवन खत्म, है कि नहीं? माने पानी नहीं तो क्या पियेंगे हम लोग? क्या पियेंगे? मोबिल। समुद्र के पानी लवणीय है, खारा है। हाँ प्रश्न बहुत अच्छा लड़का पूछा है कि सर हम लोग क्यों नहीं पी सकते उसको? बाबू में लवण की मात्रा बा, पीने के बाद हमें शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है ना धीमा पड़ जाएगी। जैसे जितना मन है, जैसे देखो हम लोग को जीने के लिए पानी तो एकदम हमेशा लेना ही पड़ता है, और अगर हम लोग लवणीय जल पी लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर श्वसनी क्रिया पाचनी क्रिया धीमा पड़ जाएगी, सही से कार्य नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति को उतना ऑक्सीजन मिल जाए। नहीं गलने की बात नहीं है, कितना गलेगा। अच्छा देखो होता ही है ना, वहाँ इजराइल में चले जाओ, इजराइल एक देश है, इजराइल के नाम सुने होंगे। इजराइल एक ऐसा देश है कि वहाँ के सैनिक सबसे मजबूत है, दौड़ा दौड़ा मारते हैं घर में घुसा करके, जब तो मारेंगे नहीं तब तक वापस नहीं लौटते। सोच लो अगर किसी को कोई उसके ऊपर हमला करने वाला दौड़ा के एकदम देश में घुसा करके मारेंगे, भले गोली खा के मर जाएंगे अलग, लेकिन छोड़ेंगे पीछे नहीं लौटते। बहुत ग्रेटेस्ट है भाई। जाहिर एक ऐसा देश है जहाँ पर 100 के 100 लीटर पानी, जितने लोग पानी पीते हैं सब उस समुद्र से शूट करके ही पीते हैं। वहाँ गए थे देश के, अपने देश के प्रधानमंत्री, तो उसने सीखा था कि हमें भी अपने देश में जा करके ये टेक्निक को अपनाना चाहिए। आना टेक्निक तो अपना रहा है, भारत भी अपना रहा है, और तुम लोग की ज़रूरत है। वो सोच रहे हो कि जब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे 10-12 पढ़ रहे हैं वो आएंगे तो नया नया टेक्निक का विकास करेंगे, समझ? तो चलो प्रश्न लिखो, लिख लोगे? देखो जल